ये टाटा कंपनी का ग्रोथ बूस्टर है। ये ग्रोथ बूस्टर हम दिल्ली से ट्रांसपोर्ट के द्वारा मंगवाए थे, अब मेरे यहाँ पे भी अवेलेबल हो चुका है। ये ग्रोथ बूस्टर आप देख सकते हैं, ये पानी में डालेंगे, इसके बाद फिर ये फीड में मिलाएंगे ग्रोथ बूस्टर को। ये ग्रोथ बूस्टर देखिए, ये ग्रोथ बूस्टर हम फीड में मिला रहे हैं। ये अभी मछली को हम पूरा फीड देंगे, ये मछली मेरी अभी खाएगी। शाम का टाइम हो गया है, लगभग टाइम 6 बजने वाला है, तो हम फीडिंग कराएंगे अभी। ये ग्रोथ बूस्टर, ये भी अच्छा से एकदम पूरा इसको सॉफ्ट हो जाएगा ग्रोथ बूस्टर इसमें देने के बाद फीड, क्योंकि फीड मेरा मछली बहुत ही अच्छा से खाती है और एक्टिव होकर खाती है, क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म कर देती है। ये फीड पूरा सॉफ्ट कर रहे हैं हम, इसमें ग्रोथ बूस्टर अच्छा से मिल जाए एक एक फीड में तो अच्छा रहेगा, मछली मेरा अच्छा से खाएगी। उधर गिर रही है, फिर गिर रहा है। ये ग्रोथ बूस्टर आप अगर अपना फीस को अगर बराबर देते रहेंगे, मतलब कि हम तो ये 15 दिन में 2 दिन चलाते हैं फिर इसको बंद करते हैं। जब ये छोटा फीस था मेरा, इसको लगभग हम रेगुलर 1 महीना तक चलाए थे। ये 5 लीटर का आता है, तो इसमें डोज वगैरह इसमें सब कुछ लिखा रहता है केजी के हिसाब से, तो आप देख करके आराम से दे सकते हैं। ये देखिए 5 केजी का ये फीड मेरा हो चुका है। ये हम इसमें प्रैक्टिकल किए थे कि ये पंखास मेरे इधर क्या होता है नहीं होता है, तो ये मेरा सक्सेस हो रहा है। अब जिस दिन हार्वेस्टिंग होगा वो भी आप सबको दिखाएंगे। तो ये फीडिंग देखिए, ये फीस आएगी, आ गई। ये मेरा फीस टोटल आज 65 दिन का है, करीब 65 या 70 दिन का है, 24 तो नहीं 70 दिन का मेरा फीस है। ये देखिए अभी भी 2 MM दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास एक बैग 2 MM बचा था, तो इनको कल या परसों इसको 3 MM हम स्टार्ट करेंगे। ये बहुत कम ही एरिया में हम 6000 पीस डाल दिए हैं डालने टाइम, तो हम सोचे थे कि एरिया इंक्रीज करेंगे आगे बढ़ाएंगे, तो अभी ये हम कर नहीं पाए। तो इसमें अब देख रहे हैं अच्छा खासा हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। दिक्कत आएगी तो फीस मोटलिटी होना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर उसका वेट नहीं करेंगे, आगे हम इंक्रीज करेंगे एरिया। ये देखिए कितना अच्छा से शानदार फीडिंग ले रही है मेरी फीस, देखिए आराम से आप देख सकते हैं फीस से। ये फीडिंग का मेरा वीडियो है, और मेरा 2 जगह आप सबको पता ही है कि 2 जगह मेरा और प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर भी फीडिंग करवाते हैं, तो यहाँ भी करवा रहे हैं। तो अब ये इसका हार्वेस्टिंग हम तय करेगा कि कितना आगे तक हम जाएंगे, या फिर कितना आगे इसको बढ़ाना है या करना है, ये रिज़ल्ट मेरा बताएगा क्या है, बेनिफिट है क्या है। ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, किसी को बेनिफिट हुआ है किसी को लॉस हुआ है, तो खुद से कर लें तो फिर ज़्यादा बेहतर होता है और अच्छा भी होता है, खुद के लिए कुछ एक्सपीरियंस भी हो जाता है। ये मेरा पोल्ट्री फार्म जो आप सबको पता है,